सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आज एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हमारे बीसीसी 2024 के सभी स्टूडेंट, तो फाइनली आप लोग का काउंसलिंग डेट रिलीज हो चुका है जिसका इंतजार आप लोग इतने लंबे समय से कर रहे थे, यानी कि हमारा ज्वाइंट काउंसलिंग, डेट इज किसके किसके लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, फार्मेसी के लिए या अन्य जितने भी कोर्सेस हैं जो कि ज्वाइंट में आते हैं इंजीनियरिंग को छोड़ के, यानी कि बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, पीसीएम वाले बच्चों के लिए, पीसीएमबी वाले बच्चों के लिए और एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए, टोटल स्टूडेंट्स के लिए ये ज्वाइंट काउंसलिंग डेट आ चुका है, नोटिस आ चुकी है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मैं पटना से बाहर हूं, इसी वजह से मुझे इस तरीके से वीडियो बनाना पड़ रहा है, बट कोई नहीं, आपको एक एक चीजों की जानकारी मिल जाएगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसका आपको इंतजार था, हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग, आपको भी मालूम होगा कि हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग पटना में होता है जिसमें आप सभी बीसीसी स्टूडेंट्स को आना है, चाहे जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं या फिर रजिस्टर्ड नहीं है, सभी को हमारे ऑफलाइन काउंसलिंग में प्रेजेंट होना है। ठीक है, आप लोग आइए एक दिन समय निकाल के, आपको बहुत बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में भी आज मैं अनाउंस करने जा रहा हूं हमारे ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, वीडियो को एकदम अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, एक बार जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने तरफ से, चैनल को मस्त से मस्त सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया बिहार के किस जिला से ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, हम लोग अपना बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका नोटिस फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ बीसीसी ज्वाइंट एंड एग्रीकल्चर ये आ चुका है। इस नोटिस के ऊपर हम लोग आज बातचीत करने जा रहे हैं और इसका इंतजार बहुत बेसब्री से था आपको, मैं जान रहा हूं इस चीज को अच्छे से। उससे पहले मैं ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग को देना चाहूंगा। हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग होने जा रहा है इस बार बाजार समिति मेन गेट में। आप लोग को मालूम होगा हमारा इंस्टीट्यूट है पटना में बाजार समिति मेन गेट, यानी कि एस्पेक्ट विजन क्लासेस बाजार समिति मेन गेट, बाजार समिति पटना, यहां पे हमारा इंस्टीट्यूट है और यहीं पे हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग इस बार होने जा रहा है। ऑफलाइन काउंसलिंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि सभी चीजें आपके सामने में कराई जा सकती हैं। आपका रैंक अगर थोड़ा सा ज्यादा भी है तो हम लोग इस तरीके से काउंसलिंग करते हैं कि आपका कॉलेज मिलने का चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कौन कौन से बच्चे आ सकते हैं, आप लोग सब आ सकते हैं। आप लोग ऑनलाइन रजिस्टर्ड हैं फिर भी ऑफलाइन कराना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। जो बच्चे नहीं रजिस्टर्ड हैं वो भी आ सकते हैं। अब बात रही हमारे ऑफलाइन काउंसलिंग का डेट एंड टाइम क्या है, तो आप लोग को मालूम है अभी नोटिस में मैं बताऊंगा, 18 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही, तो हमारा काउंसलिंग 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आप लोग ऑफलाइन हमारे सेंटर पर करा सकते हो। सर एक दिन लेट क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए सर्वर आपका ओपन होते होते शाम हो जाता है, इसीलिए हम लोग 18 को नहीं रख के 19 से रख रहे हैं, 19 से 22, यानी आप 19 को भी आ सकते हो, 20 को भी आ सकते हो, 21 को भी आ सकते हो, 22 को भी आ सकते हो, बट आप लोग 22 को अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए 19, 20, 21 में ही आके अपना काउंसलिंग आप लोग जल्द से जल्द करा ले। अब टाइमिंग की मैं बात करूं तो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारा सेंटर ओपन रहेगा। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग ये नंबर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा डेडिकेटेड ऑफलाइन हेल्पलाइन नंबर है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट मान लीजिए पटना आया, उसके बाद उसे नहीं मिल रहा है सेंटर, कैसे आना ये नहीं पता चल रहा है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 6203748636। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग जानकारी ले सकते हो। इस नंबर को सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस नंबर पे और भी किसी चीज के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये जस्ट ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए नंबर है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया के ऊपर। देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले मैं बता दूं ये जो काउंसलिंग है ये है आपका ज्वाइंट काउंसलिंग। इसमें कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, पहले करेंगे पीसीबी वाले बच्चे, पीसीबी वाले बच्चे करेंगे नर्सिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फार्मेसी के लिए, ठीक है, बी फार्मा के लिए, आप लोग अन्य जितने भी कोर्सेस हैं, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, ऑप्टीमेट्री, एक्सरे, सभी कोर्सेस के लिए। पीसीएम वाले बच्चे करेंगे एग्रीकल्चर के लिए, बी फार्मा के लिए, अन्य जितने भी कोर्सेस हैं, पीसीएमबी वाले बच्चे सभी कोर्सेस के लिए करेंगे, और एग्रीकल्चर वाले बच्चे यानी कि जिनका सीबीए है, पीसीए है, एमसीए है, वो बच्चे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन सभी कोर्सेस के लिए काउंसलिंग में ऑप्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया, काउंसलिंग में आप लोग ऑप्ट कीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका डेट क्या है। देखिए इसमें यही जानकारी आपको मेंशन की गई है, इसका डेट मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग गौर से यहां देखिए जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है वो डेट ही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसके, सीबीए वाले बच्चों के लिए, पीसीए वाले बच्चों के लिए, एमबीए वाले बच्चों के लिए, एमसीए वाले बच्चों के लिए। आपका सीट मैट्रिक्स 17 तारीख आज के डेट में बताया गया है
है। अब देखना यह है कि सीट मैट्रिक्स आपका कब आता है, अभी तक वेबसाइट पे नहीं आया, बट आज आ जाएगा। आज नहीं भी आए तो भी काउंसलिंग कल से स्टार्ट होना है, कल आ जाएगा नहीं तो, ठीक है। काउंसलिंग स्टार्ट होगा आपका 18 तारीख से, यानी 18 से काउंसलिंग स्टार्ट है, कब तक, 22 तक, 18 से 22 आपकी काउंसलिंग की तिथि है। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट आपका 25 तारीख को आएगा, कब आएगा बुआ, 25 तारीख को फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट आपकी आ जाएगी। उसके बाद, ठीक है, इसका एडमिशन होगा 26 से 28 तक। वहीं पे मैं बात करूं, सेकेंड राउंड आपका 5 तारीख को आएगा और इसकी एडमिशन होगी आपका 11 तारीख से आपका 13 तारीख तक। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग किस चीज की, अब बात कर लेते हैं हम लोग बुआ, अब बात कर लेते हैं हम लोग PCM PCB PCMB वाले बच्चों के लिए, यानी कि जॉइंट के लिए, जिसका ज्यादा बच्चे होते हैं। इसका भी सीट मैट्रिक्स का 17 तारीख का डेट दिया गया है, ठीक है। इसका भी काउंसलिंग आपका 18 तारीख से ओपन होगा, 18 तारीख से पोर्टल ओपन होगा। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, एस्पेक्ट विजन आपको जानकारी दे देगी, इसके लिए आप लोग सभी बच्चे एकदम निश्चिंत रहे, ठीक है। और 18 से 22 तक इसकी भी काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी चलेगी और इसका भी फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट आपका 26 तारीख को आएगा, यानी कि 26 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। और इसकी एडमिशन जो होगी वो होगी आपकी 27 तारीख से 29 तारीख तक। कब होगी? 27 तारीख से 29 तारीख तक इसमें एड्स की एडमिशन प्रोसेस होने जा रही है। वहीं मैं बात करूं राउंड टू, सेकंड राउंड जो आएगा वो आपका 5 तारीख को आएगा और अगेन इसकी एडमिशन जो है बुआ वो 11 तारीख से लेके 13 तारीख तक आपकी होने जा रही है। ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, इस डेट में ही आपको काउंसलिंग कराना है। और एक बार चाहे अगर आप पटना के आसपास के बच्चे हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और अगर आप पटना से दूर भी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग एक दिन समय निकाल के हमारे सेंटर पे जरूर आए, इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। हर साल हजारों बच्चे हमारे सेंटर से काउंसलिंग कराते हैं और अच्छा रिजल्ट लेके जाते हैं, क्योंकि काउंसलिंग कहिए कि एक टेक्निक है, चॉइस फिलिंग एक टेक्निक है, कैसे आप बेहतर तरीके से कॉलेज को वहां पे ऑर्डर में भरिएगा, उस ऑर्डर से भरेंगे तो आपके चांसेस प्रोबेबिलिटी जो है ज्यादा बढ़ जाएंगे कॉलेज मिलने के। तो सभी बच्चे ऑफलाइन काउंसलिंग में जरूर जरूर पार्टिसिपेट करें, आप अगर ऑनलाइन भी रजिस्टर किए हुए तो भी कोशिश कीजिए एक दिन। अरे बाबू, कैरियर के लिए लोग जो है कितना दिन महीना गुजार देते हैं, आपको तो बस एक दिन निकालना है, आप एक दिन समय जरूर निकालिए और निकाल के हमारे सेंटर पे जरूर जरूर विजिट कीजिए। आप लोग सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको एक बार, जल्दी सभी बच्चे स्क्रीनशॉट एकदम अच्छे से आप लोग ले लीजिए इस वीडियो इस एड्रेस को, ठीक है। और नोटिस में बस इतना ही है, बल्कि चॉइस फिलिंग क्या होता है सर, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए चॉइस फिलिंग जो है बाबू, ये आपका 2-3 स्टेप में होता है, हालांकि इसके ऊपर मैं वीडियो बना के बताऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। सबसे पहला स्टेप होता है आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है आपका चॉइस फिलिंग, ठीक है। और तीसरा स्टेप होता है आपका चॉइस लॉकिंग, ठीक है, चॉइस लॉकिंग। उसके बाद आपका चॉइस होता है प्रिंट। ये सभी स्टेप आप लोगों को हम लोग करके देंगे, यानी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका टोटल प्रोसेस हमारे द्वारा किया जाएगा। तो बीसीसी के सभी स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आज तो बहुत ज्यादा खुश होंगे आप, क्योंकि फाइनली आप लोग का नोटिस आ गया, जिसका आपको इंतजार था, जिसके लिए इतना दिन से आप लोग लगातार इंतजार कर रहे थे और पूछ रहे थे सर नोटिस कब आएगा कब आएगा। फाइनली नोटिस आ चुका है आपका, और मैं बताया था पहले भी कि नोटिस आएगा और इंस्टेंटली आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं आज नोटिस आया है, कल से काउंसलिंग स्टार्ट है, तो अब आपके इंतजार की घड़ी हुई समाप्त और आपका काउंसलिंग का दिन आ गया है। आप लोग से मिलेंगे हम लोग ऑफलाइन सेंटर में, आप लोग ऑफलाइन जरूर से जरूर आप लोग सभी बच्चे विजिट करें, ठीक है, ताकि आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिले। उम्मीद करते हैं वीडियो